नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ सोनाली ठाकुर। शिवजी ने क्यों लिया हनुमान अवतार? वास्तव में शिव का अवतार हनुमान ही थे और यह भी सत्य है कि भगवान राम ही शिव के हनुमान अवतार का कारण बने थे। रामायण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाएं। उस समय भगवान राम जी की आयु लगभग 5 वर्ष के आसपास रही होगी। भगवान शिव के सामने समस्या ये थी कि वे अपने असली रूप में जा नहीं सकते थे। ऐसे में एक दिन शिव ने माता पार्वती से कहा, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और उनके दर्शन की सेवा का मन हुआ है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और जिस लोक में राम है वहीं मैं भी रहूँ। यह सुनकर पार्वती विचलित हो गईं और दुखी होकर बोली कि हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी आप यदि जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रहूँगी। पार्वती माँ की बात सुनकर शिव को एहसास हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती हैं और अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित ही रूप से पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देंगी। ऐसे में शिव भगवान मोह के एक चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती जी के पास भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना था। ऐसे में भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता पार्वती को बताया और बोले, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक रूप बानर का अवतार आज में लेने वाला हूँ। एक रुद्राज में से आज एक रूप बानर होगा जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वे जानते थे कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। शिव को यह भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊँगा और ना ही राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर किया करेगा। इसलिए आज भी भक्त लोग हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं। इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं।